अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, कल मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी कि मैंने ये सामान मंगवाया है अम्मी के लिए, एक मैंने अपने लिए भी मंगवाया था। तो लड़कियां बोल रही थी आप इसके डिटेल रिव्यू कर दें, हालांकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, पर वही बात है ना कि वीडियो नहीं देखते हो आप लोग। खैर, ये जो सामान था ये सारा मेडिकेटेड था, जिसमें था एक सनस्क्रीन लिप फार्म का, इसमें थी एक हमारा फेस वॉश लिप फार्म का, और एक हमारी वाइटनिंग क्रीम थी जो कि डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स, ब्राउन स्पॉट्स और एजिंग इन सब चीजों के लिए होती है। और एक जो है मैंने अपने लिए मंगवाया था, दिखा देती हूँ फिर आप लोग कहोगे कि एक डब्बा दिखा रहे हैं बार बार, ये अम्मी का डब्बा है, अब इनका पार्सल मैंने देने जाना है। पहले पहले वीडियो शेयर कर दो, जैसे सब लड़कियां मांग रही थी। बाकी काफी लड़कियों ने मुझे अपने रिव्यूज भी दिए थे जिन्होंने यूज की थी ना, मेरे रिकमेंडेशन पे, उनके स्क्रीनशॉट लगाऊंगी यहाँ पे, आप लोग देख लेना। वो बोल रहे थे कि आप ये बहुत ही अच्छी क्रीम है। एक लड़की मुझे बोल रही थी कि मेरी जो है वो इसकी सेकंड ट्यूब है और मेरे सारी फ्रेकल्स जो है वो इससे बहुत ज्यादा लाइट हो गई हैं, अभी मेरी खत्म होने वाली है, मैं एक और ऑर्डर करूंगी। और इसके अलावा मतलब मुझे 100 रिव्यूज इसके अच्छे मिले थे। अपनी वाली पैकिंग खोलती हूँ और आपको दिखाती हूँ, साथ साथ बेनिफिट भी बताती हूँ, मुंह हाथ भी धोती हूँ, कपड़े भी चेंज करती हूँ, फिर हम जाएंगे पार्सल करवाने। ठीक है, अम्मी का डब्बा जो मैं बाहर रख के आती हूँ। ओके, भी सबसे पहले जी हमारे पास है लिप ग्लो का ब्राइटनिंग फेस वॉश। ये अनइवन जो स्किन टोन होती है उसको इवन करता है, इसके अलावा आपकी स्किन पे ब्राइटनेस लेके आता है और यंगर लुक प्रोवाइड करता है। आप डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट और ब्लेमिशेस वगैरह को भी जो है वो रिड्यूस करता है। इसके अंदर जो टेक्सचर है ना वो ऐसा है, इसके अंदर ब्लू ब्लू से दाने आपको नजर आ रहे होंगे, ये दाने जो है जब आप इसको वॉश करते हो अपने फेस को तो ये आपकी स्किन के ऊपर जाके जब इसको ब्लेंड करते हो अच्छे से तो बर्स्ट होते हैं और आपकी स्किन के ऊपर एक इंस्टेंट ग्लो आता है और एक इंस्टेंट ब्राइटनेस आती है। वो मैं भी आपको दिखाती हूँ, कैमरा थोड़ा सा नीचे कर लूँ। मैं पानी ले रही हूँ, मैं हल्का सा इसके ऊपर इसको जो है मैं अच्छे से ब्लेंड करती हूँ इस तरीके से। इसके फेस वॉश का आप टेक्स्चर देखें कितना अच्छा है, आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता। आज इसको यूज करना छोड़ोगे भी तो आपका कलर खराब नहीं होगा, टेक्स्चर कितने मजे का है। अब इसमें पानी और ऐड करोगे तो ये और बबल बनाएगा, और बहुत ज्यादा वाले बबल नहीं बनाता, इस तरह के बनाता है जैसे होता है ना क्रीमी और मिल्की सा फेस वॉश, उस टाइप का है ये देखें। और इतने अच्छे से आपका फेस और हाथ और पैर वगैरह नीट और क्लीन कर देता है। ये नकल्स डार्क हो रहे हैं उनको लाइटन कर देगा, आपके डार्क सर्कल पड़ रहे हैं उनको लाइटन कर देगा, और प्राइस भी बहुत कम है तो जरूर ट्राई करें आप। भी देखें कितने नीट हो गए, और जो नकल्स है ना वो भी लाइटन होना स्टार्ट हो गए हैं मेरे, काफी हद तक लाइटन हो चुके हैं मेरे नकल्स। मैंने इसका रिव्यू भी इसलिए किया था कि ये मेडिकेटेड है और लड़कियों को बहुत शौक होता है कि कलर फेयर हो, वो कलर फेयर करने के चक्कर में मरकरी वाली और उल्टी सीधी क्रीमें लगा लगा के मुंह का बेड़ा गर्क कर लेती है, स्किन लूज कर लेती है, स्किन लटक जाती है और फिर बाद में स्किन का वो हाल होता है कि वेन नजर आना शुरू हो जाती है। तो फिर मैंने इसलिए इसका रिव्यू किया था क्योंकि मुझे पता था कि बहुत सारी लड़कियां जो है वो वेट कर रही है, काफी लड़कियां ऐसी जिनकी शादी होने वाली है, बहुत सी लड़कियां ऐसी जिनके रिश्ते जैसा नहीं होते कि उनका कलर खराब है, क्योंकि हमारे यहाँ की मेंटेलिटी ऐसी है कि भाई गोरी बहू चाहिए उनको, आपको बच्चा वैसा काला कलोटा हो उनका। आपको वॉश करके दिखाती हूँ, इतना अच्छा मेल निकालता है आपकी स्किन से कि आपका वॉश में एकदम काला हो जाता है सारा। ओके भाई, ये देखें जी हमने फेस धोया, हाथ धोया और आपको नजर नहीं आ रहा फेस पे एकदम से इंस्टेंट ब्राइटनिंग और वाइटनिंग इफेक्ट आया और स्किन कितनी ग्लो भी कर रही है। इसको रिकमेंड करने का मकसद ये भी था कि ये जो है ना सस्ते बहुत ज्यादा है प्रोडक्ट, मेडिकेटेड प्रोडक्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बनाए हुए हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट की तरफ से अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है और महंगे नहीं है, दराज से मिल जाएंगे आपको इजीली। दराज से लिए थे मैंने भी, इनका पेज भी है इंस्टाग्राम पे, मैं लिंक लगाऊंगी, आप लोग वहां जाके ले लेना बगैर डरे और झिझके, हाईली रिकमेंडेड है, आपको जरूर रिजल्ट मिलेंगे। तो चलो मैं कपड़े चेंज करके आती। ओके भाई, तो अब बारी आती है सनस्क्रीन की। आपने देखा मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अपने बालों को भी कॉम कर लिया है और लिपस्टिक भी लगा ली और आईब्रोज को भी फिल कर लिया, लेकिन मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया। सनस्क्रीन जो है वो बेस्ट वो होती है जो PA++++ हो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, यूवी है और यूवीबी से प्रोटेक्शन करती है, हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इसका। सनस्क्रीन बहुत बहुत जरूरी है, इसका SPF जो है वो 60 है, ठीक है, तो ये एक आइडियल सनस्क्रीन है हमारे लिए और हैवी मेडिकेटेड। और जब भी आप कोई वाइटनिंग क्रीम यूज कर रहे होते हो, कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे होते हो मिलाजमा के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, फ्रेकल स्पॉट, किसी भी चीज के लिए, सनस्क्रीन लाजमी यूज करें साथ में, ताकि आपको रिजल्ट भी अच्छे मिले, दूसरी बात कि आपकी स्किन डैमेज ना हो, ठीक है। तो सनस्क्रीन की पैकिंग आप लोगों ने देख ली है कैसी है, हम पहले सनस्क्रीन लगाएंगे, आपको उसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कैसी है। स्क्रीन है वो बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है, ये देखें इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का है और व्हाइट कास्ट नहीं देती, चिपचिपी भी नहीं है, ग्रीसी भी नहीं है, आप इसके ऊपर मेकअप भी कर सकते हो बहुत ही ईजिली, आपको ये कोई मेकअप की बेस नहीं फटेगी आपकी। और आपको पता है जब भी आप सनस्क्रीन लगाते हो आपकी जो मेकअप की बेस है वो फट जाती है, क्योंकि सनस्क्रीन क्या करती है ऑयल छोड़ना शुरू कर देती है, मोस्टली सनस्क्रीन ऐसी होती है कि ऑयल छोड़ना शुरू कर देती है। और इसके अंदर से जो दवाइयों वाली स्मेल आती है ना मेडिकेटेड सनस्क्रीन से, इसके अंदर से वो भी नहीं आती है, फौरन से आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है।
कोई व्हाइट कास्ट, कोई चिपचिपापन, कोई ग्रेसीनेस कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और ये इजीली आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है हाथों पे, गर्दन पे और फेस पे। अच्छे से लगा लें आप इसको, और इसके ऊपर आप अपनी फाउंडेशन भी लगा सकते हैं। और आप पहले क्रीम लगाऊंगी और उसके बाद लगाऊंगी फाउंडेशन। ये है जी हमारी लिव ग्लो स्किन ब्राइटनिंग क्रीम। ये हमें जो है प्री मेच्योर स्किन एजिंग से भी बचाती है, डार्क स्पॉट्स आ रहे होते हैं, डार्क सर्कल को भी जो है वो लाइटन कर देती है। और इसकी पैकिंग भी काफी क्यूट सी है, और इसकी भी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कैसी है। इसकी कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरीके की, और इसके अंदर जो है इस तरह की इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं जो आपके स्किन के ऊपर जो है वो फ्रेकल्स को, मिलाजमा को, और आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, उन सबको जो है वो लाइटन करते हैं। सबसे पहले मैं आप इसको हाथ पे एब्जॉर्ब करके दिखाती हूँ। आप देखिएगा जैसे ही ये हाथ पे लगेगी फौरन से आपके हाथ के ऊपर जो है वो एक ब्राइटनिंग इफेक्ट आएगा। दोनों हाथों के अंदर इंस्टेंट डिफरेंट नजर आ रहा होगा जिस हाथ पे लगाई और जिस हाथ पे नहीं लगाई है कि वो हाथ कैसा लग रहा है। फौरन से हाथ सॉफ्ट जाता है, मुलायम जाता है, और फौरन से जो है वो एक ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है हाथ के ऊपर। ये कि इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, तो पिगमेंटेशन जिसके फेस पे बहुत ज्यादा होती है उस स्किन पे इसका रिजल्ट जो है आपका मे भी थोड़ा देर से मिले, किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट मिलता है। तो स्किन कंडीशन पर डिपेंड करता है कि किसी की स्किन कंडीशन कैसी है, लेकिन रिजल्ट इसके 110% है। जैसे मैंने आपको पहले भी एक मेडिकेटेड क्रीम रिकमेंड की थी और उसके रिव्यूज मुझे बहुत ही अच्छे मिले थे, तो सेम वैसे ही ये क्रीम है। प्राइजेस भी कम है इसकी, और मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है। ये लोग जो वाइटनिंग क्रीम यूज करना चाहते हैं और वो देख रहे हैं कोई अच्छी क्रीम हो जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, मरकरी वाली चीजें ना हो उसके अंदर, स्किन खराब ना हो और मेडिकेटेड हो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इस सनस्क्रीन के ऊपर क्रीम लगा के या सिर्फ सनस्क्रीन लगा के आप मेकअप भी कर सकते हो। तो मैं आपको डे लाइट में दिखा रही हूँ, देखिए दिन की रोशनी में कलर कितना साफ लग रहा है। कुछ भी मैंने नहीं लगाया, फाउंडेशन अब लगाने लगी हूँ मैं। तो ये देखिए फाउंडेशन को मैंने लिया, और आप इसको जब ब्लेंड करोगे, मैं आपको बिल्कुल सूरज के सामने खड़े होकर दिखा रही हूँ कि आपको देखा कितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी इसकी, और ये हटेगा भी नहीं आपकी स्किन के ऊपर से, ना रिप्लेस होगा जैसे मोस्टली मेकअप जो है वो फट जाते हैं। तो ये देखें हाफ फेस पर लगा के मैंने आपको दिखाया, ये देखें। तो आप इसके ऊपर मेकअप भी कर सकते हो, जैसे आप ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप जॉब वगैरह कर रहे हो, कहीं पे आपने जाना होता है और रेगुलर मेकअप करना होता है, तो मेकअप कर करके स्किन खराब जाती है। ऐसी स्किन के लिए सबसे बेस्ट है कि आपने अपने फेस को धोया लिफॉर्म के फेस वॉश से, उसके बाद आपने सनस्क्रीन लगाई अपने, उसके ऊपर आपने लगाई क्रीम, और उसके ऊपर आपने लगा ली फाउंडेशन। इससे क्या होगा, एक तो आपका मेकअप भी हो जाएगा, दूसरा आपकी स्किन भी डैमेज नहीं होगी, आपकी स्किन जो है बल्कि प्रोटेक्ट रहेगी और आपकी स्किन डे बाय डे मजीद बेटर होगी। तो आप देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट है। तो ये तीनों चीजें हैं, लिफॉर्म का फेस वॉश, लिफॉर्म की क्रीम और उनकी सनस्क्रीन, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, आई होप कि अच्छी लगी होगी, ऐसा है तो लाइक शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगेगा अपना ढेर सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज। ओके भी तो अभी जा रही हूँ मैं वकास के साथ, एक तो ये आटे वाली मशीन जो लाई थी गूंदने वाली वो ख़राब निकली, वो चली ही नहीं है, वो रिप्लेस करवाऊंगी, दूसरा ये पार्सल डिस्पैच करवाना है। तो चलें फिर आप लोग वीडियो देख लेना, तो आप लोगों के लिए जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह लगा दूंगी, आप लोग वहाँ से जाकर जो है वो बाय कर सकते हैं।